अच्छा एक बात सुनिए तो फिर यहाँ बच्चे कैसे आते होंगे? ऐसे ही आते हैं, जैसे कीचड़ में जाके गिरते पड़ते जाते हैं बच्चे लोग यहाँ। बच्चे कभी जाते हैं स्कूल के लिए, निकलते हैं तो कभी लेट के फिर दोबारा नहाने के लिए, तो स्कूल के लिए लेट हो जाता है, स्कूल में उसको घुसने नहीं देता है बच्चों को। प्रशासन किसी पदाधिकारी का सब कुछ देख रहे, देखिए ना चलने लायक नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, मुखिया कोई सुनता ही नहीं है। विधायक जी को नहीं कहते हैं, सबको कहा है, विधायक जी क्या बताएं कुछ। नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि अगर आप आने वाली पीढ़ी को यानी आज के बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें अच्छी शिक्षा दें, इससे अच्छा कि आने वाले वक्त में आप उस पर आप उसे दो जून की रोटी देकर उस पर एहसान जताएं। ये खास करके नेताओं के बारे में कही गई थी किसी महापुरुष के द्वारा, क्योंकि अगर आप किसी को अच्छी शिक्षा देते हैं आने वाली पीढ़ियों को तो वो आने वाले वक्त में अपने बुद्धि विवेक तर्क का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी खुद बना लेगा। बिल्कुल कहा जाता है कि अगर कोई राष्ट्र या कोई राज्य उन्नति करना चाहता है तो उस राष्ट्र उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही खस्ता हालत में है। नीति आयोग सूचकांक की अगर बात करें तो वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम सूचकांक में बिहार सबसे निचले स्तर पर है। शिक्षा में कभी बिहार जो अपना परचम पूरे विश्व में लहराया करता था, कभी नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ विश्व भर के इतिहासकार और लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, पटना यूनिवर्सिटी जो सातवीं सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, कभी टॉप 50 यूनिवर्सिटी में रहा करती थी, लेकिन आज बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। खैर ये तो बात रही तमाम शिक्षा से जुड़ी बिंदुओं की। आज हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो हमारे रिपोर्टर ने जाकर रिपोर्ट करी, ये मधुबनी के एक विधानसभा क्षेत्र की है। आप एक उदाहरण बस होगा कि आप इसके जरिए पूरे बिहार के जो शिक्षा बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको समझ सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय जो है वो तंग गलियों से गुजरता है और उस गली में तमाम जगह कीचड़ पड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो 4 से 5 बार उन्हें जो नहाना पड़ जाता है, स्नान करना पड़ जाता है, क्योंकि स्कूल जाते हैं कीचड़ में बचते बचते जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं और फिर वापस लौट कर आते हैं। तो हमारे रिपोर्टर ने जो है इस पर एक बहुत अच्छा रिपोर्ट आपके लिए भेजा है, आप उस वीडियो को देखें। जहाँ रास्ता भी नहीं है, एक विद्यालय भवन बना दिया गया है, फिर भी किस तरह का आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दावे करते हैं कि हमने विकास किया, फिर भी एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ जाने के लिए बच्चे के साथ किस तरह का जो होता होगा आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं क्या हालात है यहाँ का। आने जाने में दिक्कत है, आगे प्राथमिक विद्यालय है। अच्छा एक बात सुनिए तो फिर यहाँ बच्चे कैसे आते होंगे? ऐसे ही आते हैं, जैसे कीचड़ में जाके गिरते पड़ते जाते हैं बच्चे लोग यहाँ। बच्चे कभी जाते हैं स्कूल के लिए, निकलते हैं तो कभी लेट के फिर दोबारा नहाने के लिए, तो स्कूल के लिए लेट हो जाता है, स्कूल में उसको घुसने नहीं देता है बच्चे को। लग रहा है साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता है, ये चार चार पैदल तो जमने वाले है ही नहीं रास्ता। स्कूल में टीचर आते हैं, स्कूल में टीचर आते हैं, वो लोग उधर से ही आते हैं ना, उधर से भी रास्ता थोड़ा डैमेज है, इतना यहाँ रास्ता नहीं है। तो आप इसको लेकर कोई वीडियो प्रशासन किसी पदाधिकारी का सब कुछ देख रहे, देखिए ना चलने लायक नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, मुखिया कोई सुनता ही नहीं है। विधायक जी को नहीं कहते हैं, सबको कहा है, तो विधायक जी क्या बताएं आपको? कुछ जो जाता है वही ना बताएगा जो क्या कहता है। हम लोग को तो रास्ता आदमी कहीं नहीं जाते हैं, रास्ता को हम कह रहे हैं जो देखिए कितना खराब है। ये गली में आपका घर है क्या? हाँ हाँ ये है घर, यही है ये घर है। हाँ देखिए इनका क्या कहना है, ये जो गली में के पीछे इसका घर है, इससे पीछे एक विद्यालय भवन है, सरकारी विद्यालय भवन है, प्राथमिक विद्यालय भवन है, और जो यहाँ के हालात है आप इस गली के माध्यम से किस तरह से बच्चे पहुँचेंगे, ना साइकिल जाएगा ना मोटरसाइकिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सारी योजनाओं के बारे में, इतने दावे विकास के बारे में पोल खोलते हैं, लेकिन यहाँ तो हवा हवाई जमीनी स्तर पर इस तरह से दिखा जाता है कि यहाँ कुछ ही नहीं, सिर्फ कागज़ के ही पन्ने पर सिमट कर रह जाता है। बने रहिए न्यूज़ बिहार के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।